नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है और 28 अक्टूबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा। उसके विषय में भी हम जल्द वीडियो लाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आज के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सूर्य ग्रहण का समय तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि आखिर वह कौन सी राशियां जिन पर अच्छे बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। बात ग्रहण की है तो गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, यह भी विस्तार से जानेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिन शनिवार को साल का दूसरा और आखिरी ग्रहण लगने वाला है और इसी दिन सर्वपित्र अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन श्राद्ध कर्म, पितृ तर्पण, स्नान, दान आदि करने का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण है। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता और धरती से देखने पर सूर्य का हिस्सा किसी कंगन या अंगूठी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह के ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दोस्तों, 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसीलिए जो जातक इस सूर्य ग्रहण से सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे वे हैं कन्या राशि के जातक और चित्रा नक्षत्र के जातक। उन्हें इस ग्रहण के समय खास सावधानी बरतनी होगी। और बात करें 14 अक्टूबर को लगने सूर्य ग्रहण के समय की, तो आपको बता दें भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 14 अक्टूबर की रात 8:34 पर हो जाएगी और ग्रहण का मध्य काल रात 11:29 पर रहेगा और ग्रहण की समाप्ति देर रात 2:25 पर हो जाएगी। कुल मिलाकर यह सूर्य ग्रहण लगभग 6 घंटे चलने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि यह सूर्य ग्रहण उत्तरी दक्षिण अमेरिका, एंटीगुआ, बरबूडा, अर्जेंटीना, अरूबा, बहमास, बारबाडोस, बिंज बेलेज, बरमोडा, बोलीविया, ब्राजील, आइलैंड, कनाडा, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, डेमिनेका, इक्वाडोर, ग्रीनलैंड, गोवा, टेमाला, गुयाना, हेती, जमैका, मेक्सिको, पनामा, पराग्वे, पेरू, सुरीनाम, त्रिनिनाद, उरुग्वे आदि में दिखाई देगा। और बात करें भारत की, तो दोस्तों 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये भारत के किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकेगा क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। भारत में इस ग्रहण से संबंधित सूतक स्नान, दान, पुण्य, कर्म, यम, नियम मान्य नहीं होंगे, लेकिन ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान उन्हें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। और सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सब्जी या फल आदि ना काटें, इससे गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान खाना खाने, पकाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, बाल खींचने व सिर में तेल लगाने जैसे कार्यों की भी मनाही होती है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान यात्रा नहीं करनी चाहिए, उन्हें गलती से ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और ना ही ग्रहण की छाया में जाना चाहिए। और ग्रहण के दौरान ध्यान रहे कि आप क्रोध ना करें और ना ही किसी प्रकार की टेंशन लें। आप अपने मन को शांत रखें और ग्रहण शुरू से पहले अपने पूरे पेट पर गेरू का लेप जरूर लगा ले और ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी जरूर रख ले। इससे ग्रहण की नकारात्मकता का प्रभाव आपके गर्भ में नहीं पड़ता है और ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट देव और गुरुदेव का ध्यान करें, उनके मंत्र जाप करें और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के मंत्रों का जाप करें। आप ओम ग्रहिणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते हैं और गर्भवती महिला संतान गोपाल मंत्र का जाप भी कर सकती है। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के बाद किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि 14 अक्टूबर का लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा,
इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस सूर्य ग्रहण की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपको नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले बच्चे पर गलती से भी किसी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े। तो यह थी आज की खास जानकारी। मुझे यकीन है इसके बाद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल गरुड़ धर्मार्थ चैनल पर देखेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित काफी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि ऐसी और खास जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।